हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम का टाइम, टाइम कितना होता है पापा? अच्छा, घड़ी मेरे पास है। 4:30 बज रहे हैं और हम निकले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकल रहे हैं, शाम का टाइम है और ये सिस्टर, दोनों सिस्टर ने ब्लैक ब्लैक पहना है ताकि आज लोग कह सकें कि वाकई में ब्लैक ब्लैक जुड़वा है। क्योंकि बचपन में ये कहानियाँ चलती थी, हम सेम कलर का फ्रॉक पहनते थे या सेम कलर की स्कर्ट और जीन्स टॉप पहनते थे, तो हमें लोग बोलते थे कि हम जुड़वा हैं। आज भी वही चलेगा। तो अभी हम चल रहे हैं कहाँ, वो आप वीडियो में बने रहोगे तो खुद देख पाओगे। और आज आपको घुमाने वाली है बहुत ही अच्छी जगह, जहाँ आप घूमने के बाद, देखने के बाद आप भी कहोगे कि वाओ, पहले क्यों नहीं दिखाया। और साथ में आप लोग बने रहना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना। अभी हमारी फैमिली भी जो है लगभग थोड़ी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि सिस्टर भी आ चुकी है, उसका भी बेबी है और हम चार लोग खुद हैं, तो बाइक से जा ही नहीं सकते। और मेट्रो के लिए, मेट्रो तो पैदल जाओ या बस के लिए भी पैदल ही जाना बस स्टैंड है, तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं। और आज वैसे भी सब बहुत जल्दी उठे थे क्योंकि शायद का लास्ट डे था, तो सुबह से वर्क ही था, तो हम लोग सोचे कैब से ही चल लेते हैं आराम से घर के पास से ही। तो यहाँ पे मेरी कैब आ चुकी थी और हम लोग कैब में बैठ लिए हैं। तो चलिए अभी जहाँ चलती हूँ साथ में आप लोग भी चलिए, और उसके बाद आप वीडियो में बने रहेंगे तो मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताते भी रहूँगी और आप लोग भी एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ज़्यादा फनी और इन्जॉयमेंट वाला होगा, क्योंकि सिस्टर के साथ जो मस्ती टाइम है वो, और ये मेरी जो सिस्टर है वो जहाँ पे मैं जा रही हूँ, मैं तो कईयों बार गई हूँ लेकिन मेरी जो सिस्टर है वो फर्स्ट टाइम जा रही है, क्योंकि वो अभी तक दिल्ली आई तो थी लेकिन वो हमेशा किसी न किसी काम या किसी वर्क के पर्पज से आती थी। कभी उसके, एक बार उसके बच्चे का सीजर था तो आई थी, और जब मेरा बेबी हुआ था तो आई थी, तो अभी वो फिर भी घूम नहीं पाए थे, क्योंकि होता है ना जब आप किसी वर्क से आओ तो वर्क में बिजी रहो। लेकिन इस बार सुप्रिया आई तो गांव से आई थी तो फ्री थी, तो मैंने सोचा कहीं जाना नहीं, चलो अब एक दो दिन जब रुके हैं, बारिश भी बंद हुई थी, तो चलो घूम लेते हैं, क्योंकि ये टाइम हमेशा बार बार नहीं मिलता है। और जिनको तो शिकायतें हैं वो तो शिकायतें हमेशा रहेंगी, तो उसको तो कोई दूर नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको बता देते हैं, हम पहुँच चुके हैं इंडिया गेट और आज हम आपको वहीं का व्यू कराने वाले हैं कि आपको पहले वाले इंडिया गेट में, और अभी है तो सब कुछ वही लेकिन कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। और सुप्रिया, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया कि मैं तो बहुत बार आई हूँ, क्योंकि पास में ही पार्क वगैरह है, बच्चों को लेके मैं हमेशा आती रहती थी, बड़े वाले को लेके ज़्यादा आई हूँ, छोटे बेबी के साथ तो बहुत कम आई हूँ। लेकिन सुप्रिया अभी तक दिल्ली लगभग 8 से 9 बार आई होगी, लेकिन अभी तक वो कभी इंडिया गेट नहीं आई, तो उसने ना पहले का सीन देखा और ना बाद का। तो चलो अभी मैं दिखाती हूँ और बताती रहूँगी इसमें यहाँ क्या चेंज है। पहले यहाँ पे ना सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति नहीं थी, जो अभी आ चुकी है, और ये इंडिया गेट है हमारा जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है ही, और यहाँ पे जो उसकी, तो फ्रेंड्स ये जो इंडिया गेट है यहाँ पे जो बीचों बीच अमर जवान ज्योति जलती थी वो अब यहाँ से शिफ्ट कर दी गई है नेशनल वार मेमोरियल में, क्योंकि उसकी असली जगह शायद वहीं थी, इसीलिए उसे वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। अभी मैं आपको वहाँ पे भी ले चलूँगी और उसे भी दिखाऊँगी, साथ में साथ आपको और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो पहले के इंडिया गेट के मुकाबले अभी चेंज भी कर दिया गया और काफ़ी ज़्यादा पहले से और भी अच्छा लगने लगा है। तो चलिए अभी साथ में बने रहो और देखते रहो। यहाँ पे सुप्रिया को भी हस्बैंड वही बता रहे थे, क्योंकि सुप्रिया फर्स्ट टाइम आई थी, तो उनको भी बता रहे थे कि अमर जवान ज्योति जो यहीं बीचों बीच इंडिया गेट के जलती रहती थी 24 घंटा, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो अभी उसको शिफ्ट कर दिया गया। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडिया गेट पे जो भी चेंजेस आ रही हैं वो एक प्रोजेक्ट के तहत काम वर्क चल रहा है, जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, और जिसके अंदर पार्लियामेंट का डेवलपमेंट, इंडिया गेट का डेवलपमेंट रीन्यू करा जा रहा है।
तो पार्लियामेंट को तो अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगी बिकॉज उस पर वर्क अभी चल ही रहा है। और उसके पहले इंडिया गेट के आसपास के जो एरियाज हैं मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे देखो यहाँ पे जो फुव्वारे थे उसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। पैडल पथ के रास्ते जो थे उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। जो पहले आ चुके हैं उनको डिफरेंट दिख रहा होगा, क्योंकि जैसे कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैंने कहा कि सच में यार पैदल पथ के रास्ते भी काफ़ी चेंज हो चुके हैं, बहुत अच्छा ही बन चुका है। तो यहाँ पे जो नहरें थी उससे भी चेंज कर दिया गया ब्रिज में, और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो गया, अंडर पासेस बन चुके हैं। और जो हमारे इंडिया गेट के पैदल पथ रास्ते थे ना चलते हुए, साइड साइड बैठने की जगह था, अब वो अलाउ नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो चुका है, और जो कि अच्छा भी लगने लगा। काफ़ी ज़्यादा फव्वारे बन चुके हैं और कलरफुल फव्वारे, तो अब अच्छे लगने लगे। और अभी मैं अंदर एंट्री कर चुके हैं चिल्ड्रन पार्क में, जो चिल्ड्रन पार्क में जो बच्चों के लिए बच्चों का पार्क है, जहाँ पे बहुत सारे झूले वगैरह हैं ताकि बच्चे इंजॉय कर सकें, और बच्चों के साथ हम लोग भी थोड़ी मस्ती यहाँ पर आते हैं तो कर लेते हैं अभी आप देखो वीडियो में। और फ्रेंड्स लेकिन चिल्ड्रंस पार्क में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, वो जैसे था वैसा ही है, साफ सफाई हमेशा रहती है। बच्चों को हाथ पकड़ के अब थोड़ा देर घूमना काफ़ी है, बिकॉज तो जानते प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए बच्चों को होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बच्चों के बकरा दौरे में हालात देखो कैसे खराब से हो गए, उसके बाद हम लोग तो यहाँ पे फ्रेंड्स बच्चों के पीछे भाग दौड़ में थोड़ा फेस, मतलब मैं वही बताती फेस भी डाउन हो गया। और जो मेरा छोटा वाला बहन का बेबी था, मतलब छोटू बेबी सबसे छोटा, वो नाराज हो चुका था इसलिए कि उसको चाहिएगा था बबल्स, तो मैंने कहा बाहर से ले लेंगे, थोड़ा देर वेट करो, नहीं तो एक के चक्कर में सब मतलब जिद करने लगेंगे। यहाँ पे देखो इनकी फ्रेंड्स और उनकी फैमिली भी आ चुकी थी सब लोग, तो क्योंकि वो भी आए थे उसी दिन, और उन लोगों का था इस बहाने में भी लेंगे काजल को भी शुक्रिया से मिलना था सुपया वो काजल से, तो यही एक बहाना होता है कि पार्क में आ जाओ सब लोग, मुलाकात हो जाएगी, वैसे कहाँ टाइम होता है। और देखो हम लोग आए थे तो काफ़ी देर हो भी चुका था, शाम भी होने लगी थी। अभी मैं आपको चलती हूँ यहाँ पर होती हूँ जो रेड उसे भी दिखाऊंगी, और यहाँ पे देखो फुव्वारे चल ही रहे हैं और सब लोग आते हैं ना, तो मैंने कहा भाई सेल्फी के जो लेना ले रहे ताकि अच्छा लगता ना, घर जाके देखा है कि भाई इस जगह हम गए थे, मज़ा आता है। और हमने तो वीडियो शूट करनी ही थी तो आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, ताकि आप लोग भी वीडियो इंजॉय कर सको और नई चीज़ चेंजेस को देख भी सको। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं नेशनल मेमोरियल के करीब आ चुकी हूँ, यहाँ पे नेशनल डेली सेरेमनी होती है। और ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे जवान ज्योति यहाँ पे जो विराजित हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ और पूरे अच्छे तरीके से अभी थोड़ा क्लोज करके। और यहाँ पे इन लोगों का वर्क है, ये डेली सेरेमनी इन लोगों का होता है, और बहुत सारे लोग आते, तो हम लोग भी काफ़ी देर तक यहाँ पे रुके थे, बहुत अच्छा भी लगता है। और ये देखो जहाँ पे जिसकी जगह थी वहाँ पे वो आके स्थापित कर दिया गया था, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, पहले की तुलना में यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। तो और यहाँ पे जितनी सारी नींदी थी उस पर जैसे इंडिया गेट की ही है जो पिलर है उस पर सब शहीदों के नाम लिखे, वैसे ही यहाँ पे भी जितनी ईंटें हैं उस पर हमारे जो शहीद हुए हैं अलग अलग वार में उनके भी नाम लिखे हुए हैं। मतलब ये देख सकते हैं पीछे जो ईंटें हैं वो ईंट से इस तरीके से सजा बने हुए हैं कि वो बहुत ज़्यादा उस पर करीब जाके देखेंगे, इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको क्लोज से दिखा सकूँ, लेकिन आप कभी आते तो खुद भी देख सकते हैं।
और फिर न्यू तरीके से यहाँ पे ये फव्वारे भी बने हुए हैं कि काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। और जैसे जैसे शाम होती रहती है ना, वैसे यहाँ का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। काफ़ी साइड सारी लाइटें हैं और ये जो मैंने आपको बताया था पैदल पास साइड से, ताकि आप यहाँ से पार्लियामेंट के पास में या जैसे पहले था हम डायरेक्ट जाते थे, तो उस तरीके से अंडर पास के रास्ते के थ्रू हम जा सकते हैं और रोड क्रॉस की भी कोई झंझट नहीं है। और इसके साथ साथ ना अभी जब आपको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो उसकी लाइटें हैं बहुत कलरफुल लाइटें शाम के समय, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती बिकॉज़ ना अब वो तिरंगे की कलर में आ जाती है और इसका लुक बहुत अच्छा लगने लगता है इंडिया गेट का जैसे जैसे अंधेरा होता रहता है। तो जो भी कुछ था न्यू इंडिया गेट मैंने आप सबको दिखाया फ्रेंड्स, आप सबको ये सब लुक इंजॉय कीजिए और मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मिलूंगी फिर किसी नए ब्लॉग के साथ। और आप लोग को ये न्यू इंडिया गेट कैसा लगा, यहाँ का लुक कैसा लगा, सब कुछ आप लोग मुझे कमेंट करके जो बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग अभी आके यहाँ पे नहीं इंजॉय किए, विजिट नहीं किए, वो इससे देखें, इसके नए लुक को देखें और अपने लोगों के साथ शेयर करें। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे न्यू होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसी तरीके की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरी वीडियो को वॉच करते रहें।